हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैमरा। सब देख रहा है एंड वी आर बैक विद अनदर व्लॉग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। पर ये टाइम हम एक अलग सिटी में है। वी आर इन अहमदाबाद एंड आज हम जाने वाले हैं माणिक चौक। ये देखिए, माणिक चौक एंटर करते ही यहाँ पे आपको फ्रूट शॉट्स मिलेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही नई चीज़ थी, पर ये हम सब खाने के बाद ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग में ही इतनी सारी दुकानें हैं और फिर एंटर होते ही आपको मिल रही है ये मलाई रबड़ी, और यहाँ पे मिल रहा है बर्गर और पिज़्ज़ा और तंदूर के इतने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। माणिक सैंडविच सेंटर है, महालक्ष्मी पाव भाजी है, बस्ती राम का कुल्फी है, फिर बालाजी का डोसा है। सो यू नेम इट यू गेट इट ओवर हियर। दिस इज द नाइट खाऊ गली ऑफ अहमदाबाद एंड अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ये मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों का डिलाइट है ये। एंड आज हम यहाँ पे आए हैं खाने को महालक्ष्मी पाव भाजी की, चीज़ बटर पाव भाजी और घोटाला डोसा और सम शॉट्स भी ट्राई करेंगे हम। केदार के लिए माणिक चौक फर्स्ट टाइम है ये, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, तो देखते हैं। और ये देखिए हमारे सामने ये मस्त मस्त पाव भाजी बन रही है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। और माणिक चौक का टाइम ये शाम से चालू होता है, ये सुबह ये ज्वेलरी मार्केट रहता है पूरा, और शाम को ये पूरा खाओ गली बन जाता है, लेट नाइट तक चालू रहता है ये। ये आ गए हमारा पाव भाजी। यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ और पहला बाइट लेते हैं इस बटरी डिलीशियस चीज़ पाव भाजी का लेते हैं, और ये गया मेरे मुंह में। लेट्स ऐड ऑन सम कांदा, बिकॉज उसके बिना पाव भाजी का टेस्ट काफ़ी अधूरा है। यहाँ पे वो लोग साथ में आप देख सकते हैं चटनी भी देते हैं, लहसुन या फिर गार्लिक, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं, उसकी चटनी है तो बहुत टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। इनका मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एकदम ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और एकदम ज़्यादा फीका भी नहीं है। इट्स लाइक आवर बॉम्बे स्टाइल, थोड़ा ज़्यादा चीज़ और बटर, क्योंकि अगर चीज़ और बटर ज़्यादा ना डाले तो फिर गुजरात में आके क्या फ़ायदा खा के। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। गार्लिक का चटनी एक नई चीज़ है जो मैंने अभी तक मुंबई में खाई नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस इट वॉज़ वर्थ इट। यहाँ पे देखिए मैंने एक मेन्यू का भी फोटो डाला है, यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह भी है, और ये देखिए पाव भाजी का पूरा छाछ भी है, पापड़ भी है, हमने छाछ पी थी बिकॉज भाई छाछ तो कंपलसरी बनता है। अब आते हैं हमारी दूसरी आइटम की तरफ, जो है घोटाला डोसा। नाम से ही कुछ घोटाला लगता है उसमें, बट गाइस ओ हो, क्या था ना वो डोसा, मैं क्या बोलूँ। ये देखिए पूरा उसका मेकिंग प्रोसेस हमने डाला है, तो अगर आपको ये नहीं देखना है कि ये कैसे बनता तो आप थोड़ा आगे भगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एक आइटम है जो एंड में ही आने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और अच्छी थी, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस इट। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, हमने ये सब शॉप्स इसीलिए चूज़ किए बिकॉज वी टोटली लाइक्ड उनका हाइजीन भी थोड़ा बहुत, और खाने का भी टेस्ट पहले हमने खाया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये चीज़ तो देखो बाप रे, 240 का है ये पिज़्ज़ा, बट ये एक पिज़्ज़ा क्या बोल रही हूँ यार मैं, सॉरी, 240 का है ये डोसा, और ये डोसा एक बंदा तो डेफिनेटली नहीं खा सकता है। हमने ये दूसरे दिन पर ट्राई किया था क्योंकि ये मैं और केदार ने शेयर किया था, बिकॉज इट वॉज वेरी 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 यम्मी। हमने दिन में अहमदाबाद की अलग अलग जगह एक्सप्लोर की, बट हम यहाँ 2 दिन थे और दोनों दिन मैं तो खाने माणिक चौक ही आई थी, एंड आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा यम्मी था ये। हम बालाजी डोसा सेंटर के पास आए थे ये खाने के लिए, एंड इट वॉज काफ़ी नाइस। ये देखिए वो बना रहे हैं इतना मेहनत से, इतना प्यार से। अब गाइस हमने वीडियो में उतनी ही चीज़ें ऐड की है जो हमने खुद ने खाई है और हमें जो ज़्यादा अच्छी लगी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो ये आपके ऊपर है अगर आपको कुछ और भी ट्राई करना हो, बट वी डेफिनेटली लव्ड दिस।
और यहाँ पे एक और चीज है जो वीडियो में हंसे हैं, वो है पाइन एप्पल सैंडविच। वो एक्चुअली हमने कवर किया था पर उसका वीडियो कहीं डिलीट हो गया हमसे, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा यमी था। वो आपको आगे सैंडविच वाले के पास मिल जाएगा, या तो मानिक चौक सैंडविच या तो महालक्ष्मी पाव भाजी वाले के पास। एंड इट वॉज ऑल्सो टेस्टी, कुछ अलग था। कॉम्बिनेशन सुन के अजीब लगता है बट इट डिड नॉट टेस्ट अजीब एट ऑल। और ये देखिए हमारा डोसा हो रहा है तैयार, कुछ ज्यादा ही चीज है इसके अंदर। और अब हम टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं, इतना ज्यादा चीज, कुछ ज्यादा ही यम्मी है। ये डोसे की साइज भी काफी ज्यादा फुलफिलिंग है। इसके अंदर भाजी आती है ऊपर से, आई थिंक दही जैसा कुछ लग रहा है। एक खोबरे का चटनी है, दो दो सांभर भी है बस। इतनी अच्छी प्लेटिंग की है उन्होंने, पर खाने के लिए अब हमें सब बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो पहले ये हमारी भाजी बाहर निकालते हैं, फिर ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे कप्स ऑफ सांभर, फिर खोपरे की चटनी, और वो क्या है मुझे नहीं मालूम, वो टेस्ट करने के बाद समझेगा। तो लेते हैं हमारा पहला बाइट जो काफी ज्यादा टेम्पटिंग है। डोसा बहुत गर्म है और ये भाजी बहुत ही ज्यादा थिक है, पूरा चीज चीज लग रहा है, और ऊपर एक फुल लेयर ऑफ मसालाज। हो, कैन टेल यू मेरे मुंह में भी कितना पानी आ रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही ज्यादा यम्मी है ये, ओवर चीजी था एक्चुअली ये। 2 मिनट तो मुझे फ्लेवर समझ में भी नहीं लग गए। अब हम एक और बाइट लेंगे क्योंकि एक बाइट से कुछ समझ में डेफिनेटली नहीं आया मुझे कि क्या था। इतनी सारी चीजें डाली थी उन्होंने बट जो एक मेजर टेस्ट आ रहा है वो सिर्फ चीज का ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं चीज चीज ही खा रही हूँ। और गाइस ये जगह ना बहुत ज्यादा क्राउडेड रहती है वीकेंड्स पे तो ओवर ही, तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे टेबल या चेयर पे बैठना पड़ेगा। कुछ ज्यादा एकदम लग्जरी वाला एक्सपेक्टेशन मत रखिए। स्ट्रीट फूड खाने आ रहे हो तो स्ट्रीट फूड जैसे ही खाएंगे। ये देखिए भाजी, ओहो वेरी थिक, वेरी यम्मी, वेरी 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 चीजी, टोटली रिकमेंडेड टू टू पीपल। और बहुत ज्यादा भूखे हो तो एक जन भी खा ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और अब आते हैं हमारी न्यू आइटम पे जो हमने आज तक कभी ट्राई नहीं की है, जामुन शॉर्ट। जामुन से वैसे तो हमें ज्यादा कुछ लगाव है नहीं बट सिंस सब लोग बोल ही रहे थे कि ट्राई करो, और केदार हाथ धो के पीछे पड़ गया था क्योंकि उसको नहीं ट्राई करना था, मुझे ही ट्राई करना था ये। तो ये देखिए हमारा जामुन शॉट बन रहा है। 9898 वो छोटी सी लारी है जहाँ पे मैं ट्राई की, क्योंकि वहाँ के अंकल बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगे हमें। तो एक जामुन शॉट कुछ तो 40 रुपीज का है जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 जामुन शॉट कुछ तो 80 रुपीज के है, और 4 जामुन शॉट 140 रुपीज के है। हम 2 लोग हैं तो हम दो दो शॉट्स पियेंगे। तो तब तक लगता बट अब देखते हैं ये हो रही है हमारे कब तैयार शॉट के लिए। घर पे जाके आज मम्मी को बोलेंगे मम्मी शॉट पिया, कौन सा शॉट, दारू का नहीं जामुन का शॉट पिया। तो आप ये बैंक अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी लेके आई है, ट्राई कीजिए। मैं अभी तक बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक थी, पीऊ नहीं पीऊ, नहीं पीऊ 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 कैसा लगेगा क्या होगा, बट मेरे बाजू वाले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से पी रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा बार उन्होंने ट्राई किया था। अंकल ने बोला था मुझे एक बड़ा घूंट लेने को टेस्ट के लिए, पर एक बड़ा घूंट डेफिनेटली नहीं हुआ, वो छोटे से छोटा ही घूंट हुआ। जरा अच्छा नहीं लगा है, मतलब एग्जैक्ट जामुन टेस्ट आ रहा है इसके लिए मुझे जामुन नहीं अच्छा लगता। मुंह पूरा एकदम अजीब सा हो जाता है मेरा जामुन खाने के बाद, बट इट्स काफी नाइस लोग बोलते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा शॉट हमने लिया वो था वावा का शॉट, नहीं है वो वावा शॉट जाओ शॉट आज छोड़ दिया ना तो आई जा ट्राई कर रहे हैं। ये रहा इनका मेन्यू आपके रेफरेंस के लिए, 1 शॉट 2 शॉट 4 शॉट। वी टुक 4 शॉट, यू कैन ऑल्सो टेक 4 शॉट। जामुन गुआवा मैंगो, हमने ये तीनों ट्राई किए एंड दे वर रियली नाइस।
एग्जैक्टली मानिक चौक एंटर करते और सामने जो ही है। सबसे बेस्ट शॉट है वो हमने आखिरी ओवर के लिए सेव करके रखा था, जो है मैंगो शॉट। ये तो सबसे ही बेस्ट था, प्योर मैंगो लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था और काफी स्वीट था। हमने ये एक नहीं दो दो पिए और दोनों दिन पिए, बिकॉज ये सबसे बेस्ट था। एंड आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग ओवर हियर। थैंक यू, डू विजिट दिस प्लेस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट।